हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे अलसी की चटनी, अलसी की स्पाइसी चटनी। फ्लैक्स सीड्स हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। फ्लैक्स सीड हमारी स्किन, हेयर और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शो करूँगी कि हम घर में ही अलसी की चटनी मीन्स सूखी स्पाइसी चटनी को कैसे बना सकते हैं, जिसे हम बहुत ही ज़्यादा तरीक़ों से खा सकते हैं और ये बहुत टेस्टी लगती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएँ, ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाएँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि अलसी की चटनी कैसे बनानी है। इसके लिए हमें चाहिए 1 बाउल अलसी, 1 कप, 1/2 बाउल पीनट्स, 1 टेबलस्पून चने की दाल ग्राम लेंटिल, 1 टेबलस्पून उड़द की दाल ब्लैक ग्राम लेंटिल, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, 1/2 बाउल करी पत्ता लीव्स। इन करी पत्ते लीव्स को मैंने धो के और एक दिन के लिए रखा था और ये ऐसे हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। थोड़ी सी राई, 2 मैंने यहाँ लाल मिर्च ली है साबुत, और 5 से 7 काली मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। सेंधा नमक, ये हम स्वाद अनुसार डालेंगे, और हींग, और मैं इसमें यूज़ करूँगी ऑलिव ऑयल 1 to 2 टेबलस्पून। अब हमने एक हैवी बॉटम पैन लिया है, फ्लेम को मीडियम से लो पे हमने रखना है, और सबसे पहले हम अलसी को ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करेंगे जिससे ये अलसी है, अलसी के दाने हल्के फूल जाएंगे। अभी मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा है, एक बार कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसको सिम पे कर दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने अलसी पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि अलसी क्या होती है, इसे कैसे खाना चाहिए, इसको खाने से क्या होता है, बच्चे इसको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, और इसको हम किन तरीक़ों से खा सकते हैं और कितनी खा सकते हैं, और ये हमारे हेल्थ के लिए क्यों बेनिफिशियल होती है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सब इन्फॉर्मेशन आप जानें तो आप वीडियो को चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। मेरी अलसी भुन गई है, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। एक प्लेट में इसमें इसको साइड रखना है। ये देखिए फूल गई है, इसके दाने बड़े हो गए हैं, इसको मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। और इसी सेम पैन में मैं मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ।
आप देख रहे हैं ये मूंगफली हल्के गोल्डन ब्राउन कलर की हो रही है। मेरी मूंगफली भून चुकी है, अब मैं इसको उसी प्लेट में डाल दूंगी जिसमें मैंने अलसी डाली थी। अब इस सेम पैन में 2-3 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल में डाल रही हूँ, आधा चम्मच आप कह सकते हैं इसको, और हमने इसको भूनना है। चने की दाल देखिए ब्राउन हो रही है, इसका कलर चेंज हो रहा है। इसको हमने सेम आंच पे भूनना है, कम आंच पे चलाते हुए और कंटिन्यू हिलाते हुए इसको हमने बनाना है। ये कलर हो गया है इसका, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी में जो थोड़ा सा ऑयल बचा है उसमें मैं ये ब्लैक लेंटिल उड़द की दाल को हल्का रोस्ट करूंगी। इसको भी हमने लाइट ब्राउन कलर करना है। इसको भी मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। और इसमें मैं अब डालूंगी 2 करी लीव्स, 2 सूखा धनिया, काली मिर्च, राई, लाल मिर्च, लास्ट मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग। और ये जो भुने हुए चीजें थी जो हमने पहले अलग से प्लेट में रखी थी उसको भी इसी में मिक्स कर रही हूँ। सारे मसाले ठंडे हो गए हैं, सब चीज़ें हमारी ठंडी हो गई हैं। अब मैं इसको एक मिक्सी में डाल ले रही हूँ।
ये मैंने सारा इस मिक्सी में डाल लिया है और इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ ये 3 से 4 कली लहसुन की। अगर आप चाहें तो ये डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से आपकी चटनी की खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ और मैं ऐड कर रही हूँ नमक, सेंधा नमक मैं यूज़ कर रही हूँ, आप सादा नमक भी कर सकते हैं। इसे मैंने ये आधा चम्मच सेंधा नमक डाला और इसको मैं अब मिक्सी में पीस लूँगी। ये हमारी अलसी की चटनी तैयार है। इसको हमने दरदरा पीसना है और इसके हम 2 स्पून एक दिन में ले सकते हैं। इसको हम रायते में भी डाल के ले सकते हैं, इसको हम दाल चावल के ऊपर डाल के भी खा सकते हैं और इसको हम दाल रोटी के साथ भी खा सकते हैं, सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी इसको खाया जा सकता है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी इस अलसी की चटनी को, पाउडर को, स्पाइसी पाउडर को आप घर में बनाएं, यूज़ करें, स्वस्थ रहें और अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में दें। फिर आगे तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।